लगते कहाँ हैं जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोटी जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे। आज यहाँ कल कहाँ बसते है ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। कहा ना मैंने, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? दूर धुले समाज की, जहाँ से चढ़कर तो सीढ़ियाँ यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ से कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरती। फिर भी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। देखो बेटी, चुनाबाई के जिस्म में भी एक माँ का दिल, मेरे ऊपर यकीन करो, जैसा मैं कह रही हूँ मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। और उस रात के बाद तमाम रातों के लिए परमेश्वरी पम्मी बन गई। चूनाबाई, उसका पेशा और उन तमाम अंधेरी रातों से उसने समझौता कर लिया और उसी समझौते को निभाते परसों बीत गए। तो ये था परमेश्वरी का सफर। पर मैं एक बात बताओ, क्या कभी चूनाबाई के लिए तुम्हारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं आया? मैं नहीं जानती कि उस जैसी औरतें कैसी होती हैं, लेकिन उन बरसों में मैं इतना जरूर जान पाई कि चूनाबाई कैसी भी औरत सही, लेकिन अपनी लड़कियों के लिए वो सबसे पहले एक फिकरमंद माँ थी। कैसे? गिने चुने लोग ही उसकी सीढ़ियां चढ़ते थे, गंदे और गलीज लोगों से उसे सख्त नफरत थी। कमाल है, पर जहां तुम थी वो तो उन्हीं लोगों का बाजार था, तब भी? हाँ, अगर किसी को थोड़ा सा भी सर्दी या जुकाम होता या फिर मन ना होता तो चूनाबाई किसी को भी उसके पास नहीं जाने देती थी। हाँ मुझे याद है, जब मैं पहली बार वहां आया था तब तुम कैसे नफरत से मुझे घूरती हुई वहां से चली गई थी। ऐसा क्यों किया था तुमने? वैसे तो वक्त ने प्रकाश को मेरे जहन से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी अचानक तुम्हें उस दिन वहां देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई प्रकाश फिर से किसी परमेश्वरी के भविष्य को बेचने आया है। तो क्या मैं तुम्हें वैसा लगा था? और नहीं तो क्या, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि तुम वहां क्यों आते थे। बस तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, और रेहाना वो तो हमेशा तुमसे बहस में उलझी रहती थी। पता है, आप कहोगे तुम सभी होशियार हो, होनहार हो, तुम्हारे पास तेज दिमाग है और बुद्धिमान हो तुम सब। तो इसमें क्या शक है, कोई गलत बात तो नहीं कहता, क्यों जीनत? मुझे क्यों इस लफड़े में डालते हो राघव बाबू? लगता है कि तुम लोगों का ये काम तुम लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देता, कभी पढ़ लिख लिया करो। ए राघव बाबू, आपने क्या समझा है हम सबको? हम सब क्या अंगूठा छाप है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस इलाके में कितनी हैं जो अंगूठा छाप है? देखो, समाज में रहकर समाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई पत्रिका पढ़ते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, टाइम मिलता है। टाइम निकालोगी तो निकलेगा ना, और पढ़ लिख कर अक्षर ज्ञान पा लेने की बात भी नहीं करता हूँ मैं।
आप ठीक कहते हैं राघव बाबू, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं, क्या बिना पढ़े लिखे सब बेवकूफ होते हैं। अपनी अम्मा जूनाबाई कितनी जमात पास है, फिर भी इन जैसों को ना जाने कितने सबक सिखा दें। तुम जीरत मेरी बात नहीं समझ रही हो। बात तो तब समझेगी ना जब इसके पास अकल होगी। आ गई तो बस तेरी कमी थी यहाँ। चल चल उठ यहाँ से, क्या अंदर जा। रेहाना, तुमने खुशबू के भविष्य के बारे में तो सोचा ही होगा। सोचना क्या है बाबू, जहाँ जब बेटी जवान होती है तो माँ की जूती में ही पैर डालती है। इतना वक्त हो गया तुम्हें इस इलाके में आते हुए, कितना भी नहीं पता। क्या खुशबू का यही अकेला भविष्य है? कोई दूसरा हो तो बताऊं। तुम सभी लोग अगर सहयोग दो तो मैं यहाँ एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों से बात कराया हूँ, अधिकारी तैयार है। क्यों फिजूल में टाइम खराब करते हो, यहाँ कोई पढ़ने जाने वाला नहीं है। धंधा चौपट करोगे क्या? वो सब दिन में लगेगा। क्या धंधा या शिक्षा केंद्र? मेरी बात को मजाक में मत लो लता, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनका भविष्य भी खुशबू की तरह सामने खड़ा होकर अधिकार मांग सकता है। ओ यह कल का तो पता नहीं, और आप इतनी आगे की बात करते हैं। अंकल आप स्कूल तो खुलवाइए, कोई आए या ना आए मैं तो जरूर आऊंगी, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा रेहाना, अपनी बेटी की बात का जवाब नहीं दोगी? देख रही हूँ, चाहे किसी पर चले या ना चले, लेकिन खुशबू जैसों पर तुम्हारा जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। अरे बोलेगा क्यों नहीं, बात जो ऐसी करते हैं। लाख बार समझाया है कि बीच में आकर मत बैठा कर, अम्मा सी चली आती है। चल अंदर, चल दफा हो जाए यहाँ से। अरे क्यों डांट रही हो उसको आप? कल उसका है, उस पर उसका अधिकार है। और हाँ एक बात तुम्हें भी याद रखनी चाहिए, आज के माहौल से बच कर चलो, एहतियात पर तो। ऐसा क्या है माहौल में जिससे बच के चलना चाहिए? जीनत, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो बीमारी की खान नहीं है। क्या भाई जी, सत श्री अकाल। जागीर सिंह नाम है जी मेरा। नाम नहीं काम बोलो। लो जी, तो यहाँ कोई और काम भी होगा जी। वाह भाई जी वाह। जूना भाई की लड़कियां दिन में धंधा नहीं करती, कहीं और जाओ। मैंने तो इधर ही आना था जी, और इधर ही आया हूँ। कहा ना कहीं और जाओ। तो भाई जी, छज्जे पर पीली ओढ़नी डालकर एक लड़की खड़ी थी ना, अभी भी गई है, एक बार उससे मिलवा दो बस। कौन? पम्मी जी, नाम तो आप ही जानती होंगी। मिलवा दूंगी, अभी जाओ, रात में आना। भाई जी पैसे पूरे दूंगा, बस दो घड़ी साथ बैठना हो जाए तब भी ठीक है। बड़े घर दी माँ को। अच्छा खैर, पम्मी पम्मी जरा सुन तो बेटी। हाँ माँ। जरा इसे अपने कमरे में ले जा, तेरे पास बैठ के निहारेगा बस। पैसे पूरे दूंगा जी, बस दो घड़ी मेरे साथ बैठ जाना। पर अम्मा वहां तो सब बैठे हैं। सीनर के कमरे में ले जा बेटी। मेहरबानी भाई जी। यहाँ आने वाला अपनी चिंता रखे न रखे, अपनी सुरक्षा चाहे न चाहे, तुम्हें बिना कॉन्डम के किसी से नहीं मिलना। कौन पालेगा ये झंझट? तुम सभी और कौन, तुम्हें खुद रखनी चाहिए अपनी सुरक्षा। और अगर ना इस्तेमाल करें तब? तब कोई भी ऑन रोग हो सकता है। तुमने एड्स का नाम सुना है? हाँ सुना है, जिसे लग जाता है 4-6 महीने में निपट जाता है। हाँ जीनत,
बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है ये, और इसका एक ये भी कारण है कि एक से अधिक लोगों से असुरक्षित यौन संबंध। कहते हैं ये छूत की बीमारी है, छूने से, साथ सोने से और हाँ कपड़े सांझे करने से भी ये बीमारी लग जाती है। ऐसा नहीं है लता, चूमने से, एक साथ बैठ खाने से या झूठे बर्तनों के इस्तेमाल से एड्स नहीं होता है। और क्या कारण होते हैं, जब बता ही रहे हो तो वो भी बता दो। यौन संबंधों के अलावा ऐसा खून चढ़ाए जाने से जिसमें एड्स के वायरस हो, या फिर एड्स के रोगी को दिए हुए इंजेक्शन की सुई अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए तो, या फिर एड्स की शिकार गर्भवती माँ से उसकी होने वाली संतान को भी एड्स हो सकता है। कह चुके राघव बाबू, जो कहना था कह चुके, अब मेरी सुनो। जूना बाई 20 बरस धंधे पर बैठी और मैं 10-12 बरस, ना हमने तुम्हारे चोंचले पाले और ना हमें एड्स है, भले चंगे हैं तुम्हारे सामने, समझे? रेहाना, पहले जमाने में किसी अन्य के साथ इतनी यौन संबंध नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज पता नहीं कब किसे ये रोग लग जाए, और जब रोगी को ये पता चल जाता है तो वो निडर हो जाता है और बदले की भावना लिए घूमता है। फिर क्या तब हम उनसे मिले जो डॉक्टर से ये लिखवा लाए कि हमें एड्स नहीं है? तुम गलत समझ रही हो रेहाना, मेरी बात को जरा गंभीरता से लो। रेहाना सुन तो ले, राघव बाबू कह क्या रहे हैं? माने या ना माने तेरी मर्जी। तुम्हें पता है रेहाना कि यूं ही चलते फिरते एड्स के वायरस के भंडार उनकी मासूम बीवियों तक को एड्स का शिकार बना देते हैं। अरे बाबा यहाँ तो बहुत गर्मी है। चुप कर कलमुही, ना वक्त देखती है ना मौका। अरे अभी उसे झेल कर आ रही हूँ, क्या गधा इंसान था। अच्छा मैं चलता हूँ, जो मैंने कहा उस पर गौर से सोचना, दूसरों से सुरक्षा की अपेक्षा मत रखना, अपनी सुरक्षा खुद करना। एक ये है और एक वो था। कौन, किसकी बात कर रही है तू? अरे वही जागीर सिंह, 20 मिनट तक मुझे बैठकर निहारता रहा। कहता था तू बड़े घरेलू लगती है। अरे जब मैं घरेलू लगती हूँ तो क्यों छोड़कर आया था अपनी बीवी को यहाँ? तू भाग गई होगी उसको और क्या? भाग गई होंगी? अरे अम्मा से मेरे नाम का कोई पट्टा लिखा है क्या कि जो भी आएगा मैं ही मिलूंगी? अम्मा कहाँ है? अपने कमरे में पलक झपक रही है। अच्छा सो रही है माँ, घोड़े बिच के सो रही है। जा हट, उठो हट। तू हाँ? तू फिर आ गया? क्यों, मना है क्या इधर मेरा आना? पैसा दे ना। नहीं मेरे पास पैसा। पैसा दे बोला मैं तो। ए तू क्या आंख फल फल के देख रही है मेरे को, खा जाएगी क्या? इसको बोल पैसा देगी मेरे को। तू शराब पिएगा हाँ, तुझे इसलिए एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जा निकल जा यहाँ से। शराब नहीं पीऊंगा तो क्या करूँगा, तेरे जैसा काम है क्या मेरे पास? मम्मी इससे कह दे ये यहाँ से चला जाए, जा इसकी मर्जी हो चला जाए, निकल जाए यहाँ से। बाहर चला जाऊँ? अरे इतना सतर सबसे बाहर घूम रहा हूँ, गली गली मोला मोला, ए टूटा अबे टूटा, जब मेरे को तेरी गोद की जरूरत थी तब तू दूसरे की गोद में क्यों पड़ रही बोल? जब मेरे को सब याद आता है तब मेरे को दारू चाहिए, तब मेरे को दारू चाहिए। ये माँ तू कभी माँ नहीं बन सकती, तू कभी माँ नहीं बन सकती। धीरज रख अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ परमो, वो सवाल अकेले टूडा का नहीं था बल्कि उन तमाम बच्चों का था जिनका अतीत, वर्तमान और भविष्य
सिर्फ अंधकार से जुड़ा है। वो उन्हीं होठों पर पैदा होते हैं, उन्हीं गलियों में भीख के टुकड़ों पर पलते हैं, बड़े होकर चोरी चकारी कर जिंदगी बसर करते हैं और एक दिन उन्हीं गलियों में अपना दम तोड़ देते हैं। और यही सच मैं बार बार अपनी आंखों से वहां जाकर देखता था। वो जगह ही ऐसी है, एक ऐसी दलदल जिसमें डूबती हर जिंदगी को अपनी मौत का एहसास नहीं होता। फिर भला वो अपने भविष्य के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मगर मेरी कोशिशें नाकाम नहीं थी। मुझे लगा जैसे मंजिल मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जिस दिन तुमने उन अधिकारियों को गली कूचों में बुलवाया था। आप सभी के साथ बैठ बातचीत करने का यही मकसद है कि आप लोग ये ना समझें कि आप लोग समाज के अंग नहीं हैं। शासन और प्रशासन को जितनी चिंताएं अन्य नागरिकों की होती हैं, उतनी आप सभी की भी हैं। बेशक, आप सही कह रहे हैं मिस्टर राघव। आज हमारे साथ स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से डॉक्टर हुसैनी, नमस्कार, और प्रौढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से माथुर साहब हैं। जी नमस्ते। आप लोग विश्वास रखिए कि आपकी समस्याएं आपकी उम्मीदों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा। आप एक एक करके अपनी बात आगे रख सकते हैं। हमारे बच्चों का नसीब क्या है? आखिर उन्हें भी तो पढ़ने लिखने का हक होना चाहिए ना। लता ने कुछ गलत तो नहीं कहा है साहब, लेकिन इन बच्चों को स्कूल में भर्ती कौन करेगा? आखिर कौन बैठने देगा उन्हें अपने पास? मुझे ही नहीं, बल्कि शासन को भी इस समस्या की गंभीरता से इनकार नहीं। इसलिए हम आपके क्षेत्र में आपके लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी वहाँ। बड़ा वक्त मिलता है ना जो हम वहाँ आएंगे। क्यों नहीं, वक्त तो आपके निकालने से निकलेगा। और ये भूलिए कि जीवन के हर कदम, हर समस्या, हर विषय और दिशा में शिक्षा उसे और अच्छा सोचने समझने की बुद्धि और समझ देती है। अब इस उम्र में क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे साहब? शिक्षा हासिल करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, किसी किस्म का कोई बंधन नहीं होता, और फिर इसमें शर्म कैसी? हारे बीमारी में तो नीम हकीम डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, पर कई तो वहाँ भी नहीं जाती, वरना कौन आएगा उनके पास? मैं कुछ समझा नहीं, नीम हकीम और डॉक्टरों का ही आसरा क्यों? कुछ सुरक्षा उपाय तो आप सभी को पहले से ही करने चाहिए। यौन संबंधों में कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें, तभी आप एड्स व यौन रोगों से सुरक्षित रह पाएंगी। यही तो उठते बैठते राघव बाबू समझाते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जहाँ तक हारी बीमारी का सवाल है, आप हम पर भरोसा रखें। बहुत जल्द यहाँ हफ्ते में एक दिन एक चलती फिरती डिस्पेंसरी आया करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सभी के लिए यौन रोगों का इलाज करने के लिए खास डॉक्टर रहेगा। ये सब चोंचले हैं, अरे उस डॉक्टर के पास जाकर क्या हमें अपना धंधा चौपट करना है? क्या काम करने के लिए जिंदगी जरूरी नहीं है? आप जानती हैं, एड्स एक ऐसा रोग है जो यौन संबंधों में लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा फैलता है, और उसका कोई इलाज नहीं है। और मैं नहीं समझता कोई जानबूझकर खुद मौत के मुंह में क्यों जाना चाहेगा। ये रिहाना भी बस यूं ही है डॉक्टर साहब। देखिए एक बात साहब, ये सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इससे कितना फायदा उठा पाती हैं ये आप पर निर्भर है। नहीं साहब, हम सभी बहुत खुश हैं, सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा, तो यही क्या कुछ कम है? काम धंधे के टाइम हमारे दूध पीते बच्चे आड़े आते हैं। मिस्टर राघव, इस समस्या को तो आप ही सुलझाएं। मीना, इस समस्या का हल तो तुम्हारे आसपास ही है। जैसे पिछले दिनों कलकत्ता के एक ऐसे ही इलाके में वहाँ के बड़े बच्चों ने कर दिखाया। वहाँ उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के रखरखाव की सारी जिम्मेदारी ओढ़ ली। जब उनकी माँ काम धंधे में व्यस्त होती तो ये बड़े बच्चे उन दूध पीते बच्चों का ध्यान भी रखते और साथ में पढ़ते लिखते भी। और आपके क्षेत्र में शिक्षा केंद्र तो खुलने जा ही रहा, फिर तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। भरोसा रखिए जुना भाई, भविष्य में भी बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। माथुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हुसैनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर राघव, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा।
भाई लोगों की समस्याओं का हल हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या है? सब ढकोसले हैं, कोई यहाँ रहकर देखे तब पता चले कि असल और नसीहतों में क्या फर्क होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि नियत के साफ है राघव बाबू, हर मर्द एक सा होता है, चोला बदल लेने से क्या नियत छूट जाती है? पर बस इतना सा है, कोई आते ही कपड़े उतार देता है तो कोई थोड़ा वक्त लगाता है। जी मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। जी नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। क्यों चल रही बन्नो, आ गई देर वो कहाँ तो कहती थी पट्टा थोड़े ही लिखा रखा है जाइए चल हट। अरे नाचती थी, क्यों परेशान किया करती है उसे? अरे अम्मा तुम इसे परेशान करना कहती हो, ये तो हमारी रोज की छेड़छाड़ है, और फिर वो कौन सा बुरा मानती है और क्या बुरा ना मानू। देखो जी मैं जब भी डराता हूँ ना तो दौड़ा दौड़ा सबसे पहले तुम्हारे पास आता हूँ। रहने दो, ये सब दिखावे की बातें हैं, वरना क्या इतने दिनों के बाद आते? क्या है जी कि हमारी ड्राइवरों की जिंदगी ऐसे ही होती है, चार दिन दिल्ली, दस दिन बम्बई और दस दिन गुजरात। ये देखो जी, ये मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूँ। ये मैं पहनूंगी? हाँ हाँ तुम पहनोगी। अपनी घरवाली समझाए क्या? तब तो मैं नखरे भी फिर वैसे ही करूंगी। अरे हाँ हाँ करो ना नखरे, किसने मना किया है? अरे तुम नखरे करती हो तो मुझे और भी अच्छी लगती हो। वो क्या है कि दिल्ली आने में मुझे टाइम लग जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जागीरा पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, लेकिन जब तुम नहीं आते ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच? बिल्कुल सच। हाँ मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार करती रहती हूँ। अम्मी एक दिन मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। अम्मा नहीं मानेगी। अम्मा नहीं मानेगी? मानेगी कैसे नहीं, मैं मना लूंगा उसे। भाई किसी का घर बस जाए उसका क्या घर? हाँ मेरा घर, तेरा घर, ओए हमारा घर। सपने मत दिखा जागीरा, नहीं तो पम्मी बह जाएगी। मुझे तो तू बस ऐसे ही अच्छा लगता है। सच पम्मी? अच्छा तेरी घरवाली है? हाँ बच्चा जना था मर गई। और वो बच्चा? वो भी मर गया, मर गया वो भी। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है। मैं अपनी अम्मा से सुना करती थी, कितनी ही थी जो यहीं जन्मी यहीं मर खप गई, कोई चारा है? हाँ मैं समझ सकता हूँ जूना भाई, समाज का एक ऐसा हिस्सा हो गया कि जिसे यहाँ से हटाया भी तो नहीं जा सकता। हम धंधा छोड़ भी दें तब क्या कोई हमें काम देगा? नेक नियति से किसी काम को अंजाम दें तो क्या कोई बदनीयत नहीं पड़ेगी? कोई गारंटी है? शायद आप ठीक कह रही हैं। तब इन लड़कियों का क्या होगा, समाज में कौन सी जगह पा पाएंगी, कौन इनका हाथ थामेगा, कौन इनसे ब्याह रचाएगा, सब कहने की बातें हैं। आप ठीक कह रही हैं जूना भाई, जो सिलसिला शुरू हो गया उसे एकदम से तोड़ना तो नामुमकिन है। कभी टूट भी पाएगा मैं कह नहीं सकती। लेकिन क्या ऐसे में खुशबू जैसों से कोई आस नहीं बांधी जा सकती? क्या मैं समझी नहीं। इस नई पीढ़ी को दलदल से निकाला भी तो जा सकता है। जो अपनाए उसका कलेजा बड़ा होना चाहिए। छोड़ो राघव बाबू, ऐसे लोग कहाँ हैं इस समाज में। हाँ मुझे तुम्हारी शिक्षा वाली बात अच्छी लगी। तो क्या आप पढ़ेंगी जूना भाई? मुझे तो कुछ और ही दरकार है। क्या बताइए ना। एक नासूर है जो फट पड़ा है और मेरा माजी उससे भरने नहीं देता। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं? साफ साफ बताइए ना बात क्या है। हाँ। लो जिसकी बात कर रही थी वो आ गया, यही है वो मेरे जिस्म का नासूर। माँ बाहर नहीं सोऊंगा, इधर सोऊंगा तेरे पास, गोदी में सोऊंगा गोदी में, तंग नहीं करूंगा माँ तंग नहीं करूंगा। तो यही है तुम्हारा बेटा जूना भाई? हाँ
यही है मेरा बेटा टूडा। लेकिन इसने शराब बहुत पी रखी है। तो भाई मामा अब नहीं मामा देख रहे हो राघव बाबू, बहरी हो गया है अपने होशो हवास का। समझ में नहीं आता इसे क्या दोष दूं, इसकी मजबूर आदतों को या फिर अपने नसीब को। शराब पी लेता है तो छोटा सा बच्चा बन जाता है, वरना होश में ओह मां की जान का दुश्मन। पैसों के लिए हर वक्त कोसता रहता है और चला जाता है। भूख जली जूना को जब पता चला कि ये पेट में आ गया है, तब नहीं चाहता कि ये पैदा हो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, अंदर किस मजबूत मां ने ऐसा मोह लिया कि चाह कर भी इसे नहीं गिरा पाई, और कमबख्त को पैदा होने के बाद मां की गोद नसीब नहीं हुई। पर करम जली इसकी मां इसे देखती या धंधे को, बस उठते बैठते सोते जागते उसी की जूतियां मारता है। और शराब पी करके भूल जाना चाहता है सब। ममता के धागे क्यों कच्चे, मन से निकले उलझन कैसे। अपना लहू है आज पराया, उम्मीदों को सहन न भाया। हर आंगन में आस बढ़ाते हैं ये बढ़ते कदम